अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। मैं हूं आपका होस्ट यासिर शामी। आपको जिस तरीके से पता है कि कंदील बलोच और जो अब्दुल कवी साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, उनकी वीडियोस कुछ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं फेसबुक पे और बहुत सा कंट्रोवर्शियल मवाद जो है देखने में आ रहा है, तो इस सूरत हाल में एक उनके एक नए आशिक पैदा हुए हैं जो कि कंदील बलोच से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो बात करते हैं इनसे। और इनका नाम है राशिद जी। राशिद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं कंदील बलोच से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसके प्यार में कुछ भी कर जाना चाहता हूँ। पूरी दुनिया से मैं टकराना चाहता हूँ, टकरा लूँगा अगर वो मेरी हो जाए। मैं उसको अपना बनाना चाहता हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसे जो चाहिए उसको मैं दूंगा। हाँ, मुनारे पाकिस्तान है वो मैं उसको दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। मेरे अपने जेट हैं मैं वो दे दूंगा, जो कहेगी सब मिलेगा, बस वो मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तो यानी कि आप उसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा लड़कियाँ, कंदील बलोच ही क्यों? प्यार की बात है ना, प्यार तो ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी और से भी हो, बस मुझे वही अच्छी लगती है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने आपको बोल दिया। लेकिन सुनने में आ रहा है कि कंदील बलोच जो है मुफ्ती साहब को भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप मुफ्ती साहब का मुकाबला कर सकते हैं? मैं नहीं मानता किसी मुफ्ती को, मैं नहीं जानता किसी को, वो मिस मेरी हो जाए, मैं मुफ्ती शुफ्ती साहब को देख लूंगा, बाद की बातें हैं। मैंने बोला ना, मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ उसके प्यार की खातिर, मेरी है वो और वो मेरी रहेगी बस। अच्छा, आपकी उम्र वैसे अभी सरबाला बनने की है, दूल्हा बनने की नहीं है, तो इस सारी सूरत हाल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? यार आप मेरी फीलिंग से खेल रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप? नो प्रॉब्लम, मैं करूँगा प्यार उससे, वो मेरी है, मैं उसे शादी करूंगा, उसको अपना बनाऊंगा और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो उसे चाहिए होगा, गार्ड, पैसा, सुख, सुकून, सब उसको मिलेगा, सब दूंगा। तो अगर कंदील बलोच ने आपके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो आप क्या करेंगे? फिर तो मुझे मर जाना चाहिए, क्यों करेगी वो रिजेक्ट, मैं इतना प्यार कर रहा हूँ। एक बार हाँ, मेरा दिल मानता है मैं उससे हो जाए हमारी गुफ्तगू, तो वो मेरी है, कहीं नहीं जाएगी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसकी खातिर, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या कर सकते हैं आप उनके लिए? उनके लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, उनको जो चाहिए, प्यार, मोहब्बत, घर, पैसा, इधर उधर, जो जब गार्ड, सब उसके ख्याल में रखूंगा, वो मेरी है, उसको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। अच्छा, आप तो कुंडी भी नहीं लगा सकते, तो शादी का किस तरह सोच लिया आप? सर जी, लोग नीचे लगे होते हैं जितने भी डोर हैं, ये जरूरी नहीं होता कुंडी ऊपर ही लगी। आप क्यों इस तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती ऐसे सवाल करते हो? अच्छा, आप ये बताएंगे, फर्ज करें आपकी कंदील के साथ शादी हो जाए, वो हमारी भाभी बन जाए, तो कितने बच्चे होंगे आपके? ओहो, 12-13 तक कर ही ला गया, की हो गया 12-13? आर यू सीरियस? यस सर, आई एम सीरियस। क्या हो गया, क्या मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता क्या? मैं नौजवान हूँ, मेरे में भी मैं इंसान हूँ, क्या मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास कद है, बुत है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ अल्लाह पाक ने मुझे दिया है, मैं नहीं जानता किसी को, मैं खुद बहुत बड़ा। हाँ, कंदील बलोच को सिक्योरिटी थ्रेट भी बहुत ज्यादा है, तो अगर सिक्योरिटी में आप आड़े आ गए और अगर किसी ने आपको मार दिया और आप पे से टाप के वो कंदील तक पहुंच गए, तो आप क्या करेंगे? यार मुझे तो आपके सवाल जवाब की नहीं समझ आती, जब उनको ये चीजें सब प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ तो मुझे ही गार्ड मारेंगे क्या? मैं उसका काम है, तो कैसी बातें कर रहे हैं, उसको कोई मेरी आंख से देखे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सर आप उसकी टांग के जितने हैं, लेकिन आपके जज्बे को सलाम है। सर जज्बे को ही सलाम करो आप, टांग टूंगना दिखाओ मुझे ना, बताओ, अच्छा नहीं होगा। अच्छा, आप कंदील को क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिरी? कंदील बलोच आपको अगर देख रही हैं फेसबुक पे, तो कोई पैगाम देना चाहते हैं तो उन्हें बता दें। सिर्फ इतना, आई एम लव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए जो चाहिए मुझसे, वो किसी से नहीं, किसी के कहने पे कोई उल्टे पुल्टे काम नहीं करने, ये नहीं करना, वो जैसा बोलते हैं आप कर रहे हो, नेवर। मुझे बताएं जो चाहिए, किसी चीज की प्रॉब्लम मैं हूं ना। क्या आप उनको बुरखा वगैरह लेके दे देंगे? हाँ हाँ, टोपी वाला बुरखा उसे मैं पहनाऊंगा और वो टोपी वाले बुरके में ही रहेगी। चले जी, ये थे हमारे साथ राशिद साहब जो कि कंदील बलोच के साथ शादी करना चाहते हैं, और हमारी उम्मीद है और हमें हमारी दुआएं भी इनके साथ है कि कंदील इनके साथ शादी करे और वो भाभी के रूप में हम उनको देख सकें। तो देखते रहिए डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव विद राशिद भाई।